हेलो दोस्तों, आई एम रोहित राज मौर्य और आज आप लोगों के साथ फिर से जुड़ चुका हूँ रोहित राज चैनल पे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाला आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोग शॉप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। जैसा आप सभी लोगों ने बहुत प्यारा और सुंदर कमेंट किया था कि सर शॉप वेरीफाई कैसे करें, उसके टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैंने आज सोचा कि आप सभी लोगों के बीच में वो वीडियो क्यों ना पेश किया जाए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि शॉप वेरीफाई करना बेहद जरूरी क्यों है। अगर वेरीफाई शॉप नहीं की तो क्या होने वाला है? तो दोस्तों, जो जिसका वेरीफाई शॉप नहीं रहेगा उसका शॉप मॉल 91 में सिर्फ 2 से 3 दिन तक दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखने वाला है। और जो शॉप वेरीफाई रहेगा वो अनलिमिटेड समय तक मॉल 91 से अच्छा खासा इनकम भी कमाएगा और हमेशा हमेशा के लिए उसकी शॉप मॉल 91 में एक्टिव भी रहेगी। तो दोस्तों, अब बात आती है कि शॉप वेरीफाई कराने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को ध्यान से बता दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, शॉप वेरीफाई कराने के लिए आपको पास पैन कार्ड या आधार कार्ड होना जरूरी है, वो भी आपका जिसका दुकान है उसी का पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है और आधार कार्ड भी। इसमें से एक डॉक्यूमेंट लगेगा, दोनों डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। अब शॉप वेरीफाई कैसे होगा वो सभी चीज मैं आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले मैं बता देता हूँ शॉप वेरीफाई होने के बाद ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो। आई बटन पे मैंने वीडियो दिया है, उस पे क्लिक करके आई बटन पे तुरंत जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हम दोस्तों लेके चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे और लाइव दिखाते हैं आप सभी लोगों को कि शॉप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है शॉप वेरीफाई करने का, उस पे क्लिक करके तुरंत वेरीफाई शॉप कर लीजिएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं शॉप वेरीफाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं कि वेरीफाई शॉप कैसे होगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हूं उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद इंटरफेस कैसा दिखाता है सभी चीज मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं ये खुल चुका है फॉर्म वेरीफाई शॉप करने के लिए, यहाँ पे देखिए शॉप लिखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले आप सभी लोग दुकान का जो शॉप का नाम है यहाँ पे शॉप का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शॉप कीपर का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो जिस नंबर से मतलब दुकान बनी है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है आधार कार्ड और वीडियो, मतलब आधार कार्ड भी आपका यहाँ पे या आधार कार्ड डाल सकते हैं या पैन कार्ड, देखिए दोनों लिखा है, तो इसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो, वीडियो बनाकर आप शॉप की वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों रेफरल कोड, रेफरल कोड किसका डालिएगा, आप अपने अपलाइन का ही रेफरल कोड डालिएगा, अन्य किसी का मत डालिएगा। डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ मैं इसलिए नहीं भर के दिखा सकता हूँ आप सभी लोगों को क्योंकि मेरे पास कोई शॉप नहीं है, नहीं तो आप सभी लोगों को मैं लाइव प्रूफ दिखा ही देता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ आप सभी लोगों के बीच में, शॉप कैसे बनाया जाए अपना खुद का और ग्लोबल में हम खुद की सामान कैसे बेच सकते हैं, दोनों चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप यस या नो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, दोनों चीज़ बताइएगा। तो बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।